नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव लोहारेडी में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में धूमधाम से 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर छात्राओं ने अनेक कार्यक्रम पेश किए, नाटक समेत कई प्रकार की प्रस्तुतियां देने का काम किया। जानकारी देते हुए मास्टर पवन कुमार ने बताया कि इस अवसर पर स्कूल प्रांगण में स्वास्तिक अस्पताल बहादुरगढ़ के संचालक डॉक्टर विकास तैलान ने बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण करने का काम किया। इस अवसर पर डॉक्टर विकास तैलान समेत अनेक ग्रामवासी व स्कूल के छात्र छात्राओं और अध्यापक और स्टाफगण मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर विकास तैलान ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करने वाले व बीते दिनों बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का भी काम किया। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर गांव की सामाजिक संस्था बाबा दूधाधारी सेवा समिति के सदस्यों द्वारा मेरिट प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को नगद पुरस्कार, शील्ड व तिरंगा झंडा देकर सम्मानित करने का भी काम किया गया। मास्टर पवन कुमार ने बताया कि ग्रामवासियों ने स्कूल स्टाफ को बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए स्कूल स्टाफ की प्रशंसा की व स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए कॉपी, किताब, इन्वर्टर, फर्नीचर व अन्य काफ़ी चीज़ें भी भेंट करने का काम किया। इस मौके पर यह कार्यक्रम कम से कम 3-4 घंटे तक चला। इस कार्यक्रम में देश के लिए शहादत देने वाले शहीदों को याद करने का काम किया गया। वह आपको पता है, इस बार जैसे अमृत महोत्सव मनाने का काम भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसी पैटर्न पर यहाँ पर भी अमृत महोत्सव मनाने के लिए ध्वजों को हर घर पर फहराने का मिशन भी स्कूल प्रशासन द्वारा रखा गया। वह इस रंगारंग कार्यक्रम की फुटेज आपके सामने चल रही है। आप फुटेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार देशभक्ति का जुनून कायम करने के लिए छात्र छात्राओं ने समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से इस कार्यक्रम की प्रस्तुति देने का काम किया। अनेक छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया व बीते दिनों आपको पता है करने का काम करें व ग्रामवासियों के लिए एक मिसाल के रूप में पेश होने का काम करें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम के दौरान सभी ने झंडे को सलामी देने का काम किया व बच्चों ने शपथ खाई कि वह तिरंगे का सम्मान हमेशा करते रहेंगे। इसी के समक्ष आप एक नाटक सुनिए जो बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। लड़की कोचिंग सेंटर पर पहुंचती है और वहां जाकर रिसेप्शनिस्ट से बात करती है। गुड इवनिंग मैम। नमस्ते जी मैम, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है पर मैं रोज सेंटर पर ना आ सकती। कोई बात नहीं मैम, आप अब आपके सामने मौके की कुछ फोटो प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। इन फोटोज में मुख्य अतिथि के साथ साथ ग्रामवासी व स्कूल प्रशासन की टीम मौजूद रही व शहीदों को याद करने का भी काम किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि को सम्मानित किया गया व जो छात्र छात्राएं जिन्होंने इनाम लाने का काम किया था उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया। इस मौके पर डॉक्टर विकास तैलान ने अपना भाषण देते हुए बच्चों को बताया कि जीवन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें व जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ा जा सकता है। अब आपके सामने फुटेज में शील्ड जैसे